चेरियां च मेले लगदे। अच्छा मैनू हुण समझ लगी आ कि जज साहब नू इन्ना चाह क्यों चढ़िया होया है। मैं कादा चाह चढ़िया पहले तू ही दस दे भाई। आज राणो जी ने आना है। तू सरताज साहब दा गाना नहीं सुनिया, सजन राजी हो जावे फिर भी रौला नहीं पाई दा पागला। जज साहब सरताज जी ने मेनू पागल नहीं किया जेड़ा तुसी उंगला मेरे वाल कर दित्तियां ने। तेनू पागल नहीं किया उन्ने, वो जेड़ा रौला पांदा उन्नू किया फिर रौला नहीं पाई दा पागला। तू रौला पाई जन्ना। जज साहब मेनू अकल ही नहीं हैगी। तू बड़ी अकल च पीएचडी कीती है। जिन्हां दा जज साहब नू पसंद है फेस, जज साहब दा फेवरेट केस जेड़ी आउंदी है स्पेशल लुधियाणो। आज दी मुआकिल राणो कोर्ट च हाजिर हो। जज साहब जे तुसी जज साहब ना हुंदे ना ते मेरे नक दा गुस्सा तुहाडे नक ते कट देना सी मैं। ओ जिंजर पेस्ट तुहाडा बड़ा हासा निकलदा पिया। जज साहब निकल ते बहुत रहा है पर असि हास थोड़ा थोड़ा रहे हैं। ओ तू आप भी थोड़ा जे है इस करके थोड़ा हासा निकलदा पिया। देखी किते ज्यादा ना हास पे मुड़ के तेरा हासा ही मुक जवे। बदतमीज किसे थां दा जे इत्थे कोई गल ना हुंदी तुसीं किते होर रहिंदे हुंदे मैं किते होर रहिंदा हुंदा आपां इक दूजे नूं मिलना ही नहीं सी। पर देख लो रब ने तुहाडा केस दलेर ढिल्लों दी झोली च पाया जी ते तुहानूं उसे रब दा वास्ता है इहनूं अपनी झोली चों कड्डो। नहीं नहीं राणो जी ये नहीं हो सकदा, ये ते हुण झोली च ही रहना है। जज साहब ते जे इस झोली नूं चूहे कुतर गए ते फिर राणो जी ने निकल जाना है बाहर। ओए ओए कैसा तेरा मकड़ी दे बच्चे का मुंह आ। मुर्दा बोले कफन पाड़े जदों मैं ते राणो जी गल करदे विच ना बोलिया कर। केस दस अज दा की है। ओए ओए अमचूर बोलदा नहीं हुण। जज साहब तुसी आपे कहा कि मेरे नाल गल ना करया कर। चो मैं नहीं करदा। ओ यार इत्थे तू मेरा किड्डा का रिश्तेदार लगा है यार। तू निक्की निक्की गल ते नाराज होके बह जांदा। इतनी नाराज तां यार मेरे नाल मेरी बोटी नहीं हुंदी। चल एक गल्लां खत्म कर, केस तो बाद करांगे। केस दस की अज दा। सर एक पति ने अपनी पत्नी नू शॉपिंग नहीं कराई। अच्छा। ते ओदी पत्नी ने अपने पति ते केस कर दिता। दसो एदे च की गलती होई? ए इदां होण लग पिया अजकल। जे साहब जे तुहाडी इजाजत होए तां मेरे आज दे मौके नू बुला लिया जावे। इजाजत है जी। आज दा केस नंबर 2452/526 गुमशुदा शादीशुदा वर्सेस मिसेस गुमशुदा शादीशुदा। मिस्टर गुमशुदा शादीशुदा कोर्ट च हाजिर हो। दरअसल जी वेंडी जी भी जो कुड़ी के गले च मंगलसूत्र लटकता हो ना तो समझ लो शादीशुदा है। जो मुंडे का मूँह लटकया हो तो समझो वो शादीशुदा है। अच्छा एक गल दस, मैं सुनिया तेरी घर वाली तेनों भांडे मांजन भी कहती है। ओ नहीं जज साहब हुण तो कहे बिना मैं पहले ही भांडे मांज दिना। मिसेस गुमशुदा शादीशुदा कोर्ट च हाजिर हो। आज दे केस दी कार्रवाई शुरू करो यार। जज साहब जी तुहाडी इजाजत होए तां कि मैं डॉलर जी दे मुआकी नाल गल कर सकदी हां? इजाजत है जी। हां जी गुमशुदा जी तुहाडी पत्नी दा ये कहना है कि उन्हां दे पति यानी कि मिस्टर शादीशुदा गुमशुदा जी तुसी शादीशुदा होण तो पहला उन्हां नू रसगुल्ला बर्फी रसमलाई इन्हां नावां नाल बुलाउंदे सी ते विआह तो बाद हुण तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਹੋਵੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੇਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਭਈ मैं ही दुखी हूँ, तेरा घर घर यही हाल है। मैं तेरा दुख समझ सकता दोस्त। जज साहब तुसी इन्हां दे मुआकिल दा दुख तां समझ लिया ते मेरे मुआकिल दा दुख कदों समझोगे तुसी? जज साहब भी घरे भांडे धोंदे ने तां ही तां मेरे दिल च हमदर्दी आ गई। ओ पैटिस तैनूं कितनी बारी किया घट बोलिया कर। जज साहब हुण मैं गिनना शुरू कर देना है ते जदों अगली बारी पूछोगे फिर मैं गिण के पूरे हिसाब नाल दसूंगा। तू गिण के बाद चो हिसाब ना दसेगा, मैं तेरा हिसाब इतों पहलो कर देना। हाँ जी गुमशुदा जी तुसी ये दसो कि तुसी अपनी पत्नी दे नाल अपनी मर्जी दे नाल ब्याह करवाया फिर तुहानू उहना तो की परेशानी है? ओ जज साहब जिस दिन दा मेरा इहदे नाल ब्याह होया ना मेरी तो जिंदगी हराम होई पई है। मैं कदी अपने घर वालियां लई इन्ने काम नहीं कीते जिन्ने मैनूं अपने घर वाली लई करने पैंदे आ। ते नाले कभी 50,000 दे दो, कभी 60,000 दे दो। तुसी आप दसो मैं इन्ने पैसे लैके कित्थों आवां? पर इन्ने पैसों का करते की ने? मैनू की पता, मैं किहड़ा कदी दित्ते आ। तुसी इन्हां नाल विआह क्यों कराया? मैं तो विआह कराना ही नहीं सी इहदे नाल, वो तो घरदियां ने ना धक्के नाल पल्ले बनता। जस साहब जदों मैं पहली बार इहदी शकल वेखी ना, मैं उदों ही ना करती सी, ते उस तो बाद मैनू पता लगा इहदे कोल प्रॉपर्टी बहुत है, फिर मैं हाँ करती। मतलब तुसी प्रॉपर्टी दे चक्कर च इन्हां नाल विआह कराया? ते होर है कि इहदे पल्ले जिहड़ा इहदे नाल विआह कराउंदी? इहदे वर्गे हस्बैंड ना सड़कां ते रोलदे फिरदे। ते मैं किहड़ा तेरे नाल विआह कराना सीगा, मैं ते घरदियां दे पिछे लग के तेरे नाल विआह करा लिया। तुसी इन्हां नूं शॉपिंग शॉपिंग कह के तंग करदे हो, इहदा रीजन मैं जान सकदा? ते क्यों ना करा, इन्हें झूठ बोल के विआह कराया मेरे नाल। तुसी अदालत नूं दस सकदे हो कि इन्हां ने की झूठ बोलिया? जदों मेरा विआह होण लगा ना ते मैनूं कहंदा कि बड़ी तोर है तेरे यार दी। सवेरे जो गड्डी लैके निकलता ना तो कुड़ियां मोड़ा ते खड़ के वेट कर दिया ने, उन्हां दे घरदियां दे सामने ना मैं उन्होंने चुक के ले जाना, ते वो तो मैनू बाद चो पता लगा कि कुड़ियां दे कॉलेज दी बस चलांदा है। मेरे मुकिल दा जदों नवा नवा विआह होया ते इन्हां दे साले साहब कहंदे जीजा जी जदों तुसीं पहली बार साडे घरे आओगे ना आपां तुहानूं मुर्गे नाल रोटी खवावांगे, ते इह जदों पहली बार गए ते इन्हां नूं सच्ची च मुर्गे नाल रोटी खवाई। तो फिर इस चेनू की प्रॉब्लम है भाई? ओ जज साहब इन्होंने मैनू मुर्गे नाल रोटी इस तरह खवाई, मुर्गा मेरे नाल बिठाता, एक बुरकी मैं आप खाधी ते एक बुरकी मुर्गे नू खवाई। इन्हें मैनू पानी लियाता ते मैं पानी पी के सो गया। जदों मैं उठ्या ये मेरे अखा के सामने सी, मेरा मन बड़ा खुश होया। मैं कहा जो मंगना मंग, ते अगों मैनू कहती मैनू तलाक दे दे। असीं ज़्यादा गल्लां ना करिए, ते मैं चाहनी मेरे मुआकिल नू इंसाफ दिता जाए। दोनों तरह दियां गल्लां सुनने तो बाद अदालत इस नतीजे ते पहुंची है कि ब्याह तो पहलों एक कुड़ी जदों अपने माँ बाप के घर रहिंदी हुंदी है ते माँ बाप हांजी ओहदियां सारियां डिमांड्स पूरे करदे, ते जदों ब्याह तो बाद ओह कुड़ी नूंह बण के अपने सहुरे परिवार च आउंदी है ते देखो किन्ने रिश्तेदार छड्ड के आउंदी, अपने भैणां भरा सहेलियां माँ प्यो हांजी, इहदे करके सिर्फ अपने हसबैंड करके एक बंदे नूं जानी कि पति नूं पत्नी दियां सारी डिमांड्स पूरियां करनियां चाहीदियां जी जिन्नियां कोई कर सकदा। तो वैसे भी देखो शादीशुदा जी अगर तुम शॉपिंग नहीं करवाओगे कोई होर करवाएगा तो तुम्हें चंगा लगेगा जी? नहीं चंगा नहीं लगेगा, तुम करवानी। तो बाकी तुम भी मैडम तुम भी देखो थोड़ा जहा पति ना कोऑपरेट करो भाई, वो कि इनकम है वो मुताबिक तुम गुजारा करो। ये फैसला है जी भी तुम दोनों एक दूजे तो सॉरी माफ़ी मंगो। ओए मंग ला सॉरी, कदों मंगेगा जदों मुक जानी है। सॉरी 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 जी। मुबारका जी दोनों ने सॉरी कहता, तो इस केस की अज हैप्पी एंडिंग नहीं कहांगे, इस फैसले की हैप्पी एंडिंग हो गई। ठीक है जी, तो केस इज डिसमिस। चेरियां च मेले लगदे।